गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। जैसा मैंने कहा था वैसी मॉडिफाई हुई, राइट? यस सर। थैंक यू, थैंक यू। क्या? मैं नहीं जा रहा, तू देख क्या? तू देख रहा ना राहुल, प्लीज। कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। ये कार तूने स्पेशली डिजाइन करवाई है, तू ही देख क्या? तेरी हर फिल्म की रिलीज से पहले सारी होर्डिंग्स और पोस्टर की फोटो में उन्हें दिखाता हूँ। उनके लिए मुझे अपने आने वाली हर फिल्म के हर होर्डिंग की फोटो दिखानी है। कल होर्डिंग्स वाली फोटो दिखाई, फोटोज दिखाना, मुझे रिएक्शन बताना। ये मैं नहीं करूंगा। तू हर बात पे मेरे साथ आर्गुमेंट मत किया कर। मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज देख रहा। रितेश, ये तेरा मोमेंट है, तू देख क्या? जस्ट गो, देख क्या, प्लीज। हाय आंटी, आज रितेश की बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है, उसी की खुशी में उसने आपके लिए एक गिफ्ट लिया है। आपको लॉन्ग ड्राइव्स पर जाना बहुत पसंद था ना आंटी? थैंक्स यार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किस बात का थैंक यू रितेश, ये बोलने का मौका ही नहीं आना चाहिए था। कब तक भागेगा तू अपनी माँ से? कब तक तू नहीं जाएगा उनके सामने? शायद कभी नहीं। क्योंकि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। मेरी माँ की जो ये हालत है, मेरी वजह से। Sorry, Ma. I love you. Time to go, my friend. Time for some action. लोग स्क्रीन पर एक्टिंग करते हैं, पर रितेश मल्होत्रा अपनी खुद की लाइफ में एक्टिंग करता है। सबको ऐसा दिखाएगा जैसे खुशियां तो इसके लॉकर में बंद हो, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इसकी स्माइल के पीछे कितना गम और दर्द छुपे हैं। कहने को तो ये सबका है, पर इसका कहने के लिए कोई नहीं। भाई, 5 थिएटर विजिट्स है आज, 2 सिंगल, 3 मल्टीप्लेक्स, और उनमें से एक में मिनिस्टर कोविलकर होंगे। उसके बाद मिस्टर रंगनाथन के साथ स्क्रिप्ट मीटिंग है। अरे बकवास हॉरर स्क्रिप्ट है उसकी। बट आजकल हॉरर कॉमेडीज ही चल रही है, और 5 बजे के बाद मैंने शेड्यूल फ्री रखा है। यू नो व्हाई? क्योंकि हमको पार्टी करनी है। लेट्स डू दिस। सुपर। आज की पार्टी में मैंने मीडिया को नहीं बुलाया। गुड। ओ बाय द वे, इस पे तेरी साइन चाहिए। सेल्फी के जमाने में साइन फोटो किसको चाहिए?
अरे वो आरटी ऑफिसर है ना, उसने कल्पेश से कहा था कि अर्ली रजिस्ट्रेशन के बदले उसे तेरी साइन फोटो चाहिए, तो मैंने सोचा दे देते तेरी हॉट पिक्चर। और लड़कियों को तो वैसे भी ऐसे ही बहुत पसंद आता है मेरे भाई। इस आरटी ऑफिसर से मेरी बात करा देना, मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूंगा। हेलो। हाय, आप आरटी ऑफिसर बोल रहे हैं? जी जी, मैं रितेश मल्होत्रा बोल रहा हूँ। रितेश मल्होत्रा? हाँ, और मैं दीपिका पादुकोण बोल रही हूँ। क्या हुआ? कट कर दिया, इसे लगा शायद प्रैंक कॉल है, फिर से डायल करता हूँ। हेलो। देखिए फोन मत काटिएगा, मैं सच में रितेश मल्होत्रा ही बोल रहा हूँ। आज आपने मेरी कार रजिस्टर की है, वो कार नंबर MH02SM। आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली क्या हुआ ना? कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। सेलिब्रिटीज के साथ शायद ऐसे ही होता है। Maybe. Anyway, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता था। नहीं नहीं, आप थैंक यू क्यों कह रहे हो? एक्चुअली मुझे ही आपको थैंक यू कहना था। मुझे क्यों? आपको याद नहीं होगा, सालों पहले मेरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में आपने मेरी हेल्प की थी। लेकिन अगर 1% भी डाउट है तो जाके देखो उस मासूम की आंखों में, गले से लगाओ उसे, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी के बंद दरवाजे खुल जाए। उस फैसले के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। Really? जी। पर मुझे भी नहीं पता मैं क्या क्या करता रहता हूँ। एनीवे, हिसाब बराबर, क्योंकि आपकी वजह से मुझे आज जो कार मिली है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हो सकता है उस कार से मेरे किसी अपने की जिंदगी बदल जाए, तो थैंक यू। आई होप जितनी खुशी आपने मुझे दी है उससे दुगनी खुशी आपको मिले। Well, वो कार इस बात का सबूत है कि मेरी खुशियां तो दुगनी होने ही वाली। So, thank you, Miss Padukone. नहीं नहीं, मेरा नाम। कोई बात नहीं, दीपिका नाम मुझे पसंद है। All the best for your film. And all the best for your life. मैं अपनी ऑटोग्राफ फोटोग्राफ जल्दी भिजवा दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय। Jasmeet Singh, excuse me. हाँ जी। Jasmeet Singh. Okay. Driving test के लिए आए हो आप? हाँ जी, driving test. मैं RTO officer. आप लोगी जी test? जी. Okay जी. आप गाड़ी में बैठिए, मैं आती हूँ। अंजू स्कूल पहुंच गई ना तू? हाँ दी, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। अंजू प्लीज लेट मत करना। लेट होने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है चल। क्या यार, ये पापा की परिया भी ना कहीं पे भी पार्किंग कर लेते हैं। इसको तो मैं बताती हूँ। क्या बोला बे? बाइक कैसे ठोकी तूने? हाँ जी मैडम जी, बैठ गया, अब क्या करूँ? बेल्ट लगाओ। बेल्ट तो जी लगी हुई है जी। सीट बेल्ट। ओह ओके। हाँ जी मैडम जी, हूँ गाड़ी स्टार्ट करो। हेलो जी, अब आगे से राइट। ओके। लेफ्ट ले लो। घर आ गए ना? मैडम जी तुहानू क्यों पता मेरे दोस्त का घर इत्थे है? दी एक्चुअली मैं जूम के स्कूल के बाहर खड़ी हूँ और मुझे यहाँ पे कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। शक्ल पे ही नकारा लिखा है, अंदर जाओ। क्या मैडम जी, रोड को छोड़ के कहीं भी अंदर ड्राइविंग टेस्ट ले रहे हो, पर से मुझे नकारा कह रहे हो? ओ भैया जी, सब बच्चे चले गए क्या? हाँ। और जून? मुझे सारे बच्चों के नाम तो नहीं पता है, आप बच्चों को वेटिंग रूम पे जाके पता कर लीजिए। वेटिंग एरिया? हम वेटिंग एरिया कहाँ ढूंढूं मैं दी? आगे से लेफ्ट। ओके। लेफ्ट? सड़क के ना दे प्यो दिया, कदे राइट कदे लेफ्ट एंड मोमेंट चे करी जांदे। तुम
तुमने जूम को देखा क्या? नहीं। ओह नो दी, जूम तो यहाँ पे वेटिंग एरिया में भी नहीं है। ओह नो, ये क्या किया? मैंने क्या किया? जो करा रहे हो आप ही करा रहे हो। एक काम ठीक से नहीं होता ना। अरे 3 दिन का ड्राइविंग टेस्ट है, 3 दिन में माइकल शुमाकर थोड़ी ना बन जाऊंगा मैं। I'm sorry दी, एक लड़के ने मेरी बाइक ठोक दी थी और उससे लड़ने के चक्कर में मैं प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती हूँ। रुको, नो एंट्री का बोर्ड है, दिखाई नहीं दे रहा है। नो एंट्री नहीं दी, मैं राइट एंट्री में थी। शट अप अंजलि। अंजलि नहीं जी, जसमीत। ओह गॉड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक थोड़ी इमरजेंसी है, क्या हम ये टेस्ट शाम को कर सकते हैं? शाम को नहीं हो पाएगा मैडम जी, वो क्या मैंने अपना डे शेड्यूल किया हुआ था ड्राइविंग टेस्ट के हिसाब से। शाम को मैंने टिकट्स ली हुई है, वो रितेश मल्होत्रा की मूवी आ रही है ना, बहुत प्यार करते हैं 2। एक मिनट, किसकी मूवी? रितेश मल्होत्रा सुपरस्टार। हम जिस स्कूल के पास रितेश की नई सब देखने लेके जाओगे ना, प्लीज 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 मुझे जाना है मॉन, मैं रितेश से इतनी बड़ी फैन हूं। अंजू। हाँ। जून के स्कूल के पास एक मल्टीप्लेक्स है ना? हाँ दी। ओके। एक्सक्यूज़ मी। आने में सब तैयारी हो गई है, आप आ जाओ जल्दी से, मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं। ब्रो सब सॉर्ट हो चुका है, मिनिस्टर साहब भी रास्ते में, हम परफेक्ट टाइम पे पहुंचने वाले। मेरी जैकेट कहाँ है? हाँ हाँ भाई, दे ही रखी है, टेंशन मत ले। और कितने देर में पहुंचेंगे भाई? बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है, ओके। जून, तू यहां अकेली मॉल में क्या कर रही है? भैया चल मेरे साथ, चलो। अंजू तू थिएटर पहुंच गई? हाँ दी, यहाँ तो पूरा मेला लगा है, मुंबई की आधी पॉपुलेशन है यहाँ, मैं पूरा यकीन है कि जून यहीं पे ही है। 100% जून वही होगी, तो ढूंढ मैं आ रही हूँ। ओके भाई, तुम लोग फटाफट उधर देख लो एंट्रेंस पे, बैठ जाओ यहाँ पर। तू मुझे ये बता, तू अकेली यहाँ आई कैसे और तेरी मौज कहाँ है? वो ऑफिस में है, तो स्कूल में मूड ऑफ हो गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। क्यों, मूड ऑफ क्यों हुआ? वो मोटू निकल है ना, बहुत चिल्लाता है मुझे, जिन देश की फिल्म देखूंगी ना तो मूड सही हो जाएगा। अच्छा तू मुझे ये बता, तेरी मौज को पता है कि तू यहाँ है? जून गलत बात ना बेटा, आई नो कि तू रितेश की फैन है, पर ऐसे मौज को बिना बताए कहीं जाते हैं क्या? सॉरी नक्सल नहीं होगी, अभी तो आ गई ना। राघव 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 कॉमिक राघव राघव। अच्छा जून तुम कुछ खाओगे? ठीक है भाई, वो एंट्रेंस में चेक किया कितनी देर है? ठीक है राघव। जी विजय भाई, जून है मेरी स्पेशल गेस्ट है, जब रितेश आए तब मिला लेना। रितेश आ रहे हैं? हाँ, इसलिए मैं तुझे घर नहीं भेज रहा हूँ, उसे मिल के जाना। राघव भैया तुझे घर छुड़ाएंगे। माय गॉड, यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है, आई जस्ट होप जून ठीक हो बस। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। ये लो जून, तुम आराम से बैठकर चिप्स खाओ, तब तक मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ। कटआउट के लिए वो बड़ा सा कटआउट दिख रहा है।
आएगा तो उसके कटआउट पे टीका लगाएंगे। रितेश इस टीके को बहुत लकी मानते हैं। Excuse me. जाने कहाँ चली गई है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगता है कि जून के साथ कुछ बुरा होने वाला है। आंटी आंटी